हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। इस वीडियो में ये जो पिक्चर है ये खुशी के नामकरण का है। तो नाम इस वीडियो में हम जानेंगे नामकरण क्यों केस है, किस लिए होता है। तो खुशी का बर्थ 24 सितंबर को हुआ था और उसका नामकरण आफ्टर 11 डेज को हुआ था, यानी 6th of October। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबीज का नामकरण संस्कार बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से पांचवा संस्कार होता है नामकरण। हम जो भी जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि बेबी का नामकरण यानी नाम रखने का दिवस। तो ऐसा कहा जाता है कि कर्मों की पहचान नाम से होती है, ऐसे में नाम सोच समझ कर रखा जाना बेहद आवश्यक है। हिंदू धर्म में किसी भी बेबीज का नामकरण पूरे विधि विधान के साथ में होता है, जैसे कि कोई पूजा या हमारे कल्चर में पूजा हवन घर में रखा जाता है इस नामकरण के टाइम पे। तो नामकरण संस्कार का महत्वपूर्ण श्लोक होता है। नामकरण संस्कार में जातक आयु और तेज में बढ़ोतरी होता है इसको करने से, साथ ही हमारे नाम आचरण कर्म से जातक ख्याति प्राप्त करना या फिर अलग अलग पहचान बनाना, ये सबको मैटर करता है नामकरण। जाने कब किया जाता है नामकरण? आमतौर पर नामकरण बेबीज के जन्म के 10 दिन बाद किया जाता है कि बेबीज जो जन्म पे सूतक प्रारंभ होता है उसकी अवधि अलग अलग होती है। पराशर स्मृति के अनुसार ब्राह्मण वर्ग में सूतक दस दिन, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्य में 15 दिन और शूद्र 1 महीने में माना जाता है। हालांकि आज के समय में वर्ण व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई है, ऐसे में इसे 11वें दिन में ही किया जाता है बेबी का नाम। हमारे नियम के अनुसार नामकरण संस्कार के दिन बच्चे को सहज चटाया जाता है, फिर जातक को सूर्यदेव के दर्शन किए कराए जाते हैं। सूर्य के दर्शन करवाने के पीछे मान्यता है कि बच्चा भी सूर्य की तरह तेजस्वी हो। शिशु को धरती माता को भी नमन कराया जाता है, साथ ही सभी देवी देवताओं का भी स्मरण किया जाता है। शिशु की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसी नक्षत्र के अक्षर से जातक का यानी बेबीज का नाम रखा जाता है। हालांकि नाम वंश गोत्र आदि का भी ध्यान रख करके रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नामकरण में 2 नाम रखे जाते हैं, इसमें से एक प्रचलित होता है वहीं दूसरा गुप्त रखा जाता है, यानी किसी को ज्यादा बताया नहीं जाता है। जो नाम प्रचलित किया जाता है वो उनके बुलाने का नाम होता है और यहाँ पत्री के दर्ज में किया जाता है इसको, इसका डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग ही बैठाया जाता है। बेबीज का जो वर्ड निकलता है बेबीज के नामकरण के टाइम पे, तो वो वर्ड से नाम उनका 2 नाम रखा जाता है, एक को गुप्त रखा जाता है और एक को ही सबको बताया जाता है जो उसके घर का नाम होता है। थैंक यू।